अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं भकार क्रिकेट शो। बहुत बड़े खिलाड़ी की बादशाहत इस वक्त खत्म हो चुकी है और इसके अलावा बाबर आजम के लिए यहां पर कुछ स्पेशल है, तो मुकम्मल तफसील से आपके साथ अपडेट्स शेयर करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर पहली अपडेट की तरफ बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया के मायानास बल्लेबाज मार्नस लबुशेन की टेस्ट रैंकिंग में बादशाह जो है वो खत्म हो चुके हैं। टेस्ट फॉर्मेट के अब वो किंग नहीं रहे हैं, क्योंकि अब बारी है जो रूट की। एक बार फिर टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट। अगेंस्ट न्यूजीलैंड दो टेस्ट मैचेस में तबाहकुन बैटिंग की थी जो रूट ने, और उसको सिला मिला है कि वो अब पहुंच गए नंबर वन पोजीशन में। इतना पॉइंट्स का फर्क नहीं है। मानस लबुशेन जो है उन्होंने खेल रहे हैं अभी श्रीलंका के साथ दो टेस्ट मैचेस, इसके अलावा जो रूट का भी एक टेस्ट जो है वो बाकी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इसके अलावा इंडिया और फिर तीन पाकिस्तान से। साउथ अफ्रीका के साथ भी सीरीज़ तो खैर होती रहेंगी, लेकिन एक बार जो है वो जो रूट ने बिछाड़ दिया है मानस लबुशेन को, तो जो रूट के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके अलावा किंग बाबर आजम को उनकी मेहनत का सिरा इस वक्त मिल चुका है, क्योंकि बाबर आजम को ICC की जो टीम ऑफ द ईयर की दोनों कैप्स थी ODI T20 की, वो इस वक्त बाबर आजम को रिसीव हो चुकी है, जो कि बाबर आजम का हक था और बाबर आजम को ही मिलनी चाहिए थी। तो ये बाबर आजम के लिए खुशखबरी है। इस तरह से और भी खिलाड़ी को मिल जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों फ़खर जमान को मिली थी। अगर आपको ब्रिटिश चले गए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब।